पुष्कर मेला मैदान में धार्मिक मेले के दौरान होने वाली प्रतियोगिताओं का दौर जारी है। सोमवार को ही साफा बांध प्रतियोगिता और मूंछ प्रतियोगिता देशी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। साफा बांध प्रतियोगिता में 11 विदेशी जोड़ों ने भाग लिया। इसमें विदेशी महिलाओं ने अपने पति और पुरुष दोस्तों के सिर पर राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा बांध कर तिलक लगाया। यह प्रतियोगिता विदेशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों की तादाद में विदेशी पर्यटक मेला मैदान में जमे रहे और प्रतिभागियों का तालियां बजाकर उत्साह वर्धन करते रहे। साफा बांध प्रतियोगिता में फ्रांस की महिला ने अपने जीवन साथी पैटर के सिर पर साफा बांधकर और तिलक लगाकर प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि दूसरे स्थान पर इजराइल का जोड़ा और तीसरे स्थान पर परपर्तिया इटली की जूलिया रही। वहीं मूंछ प्रतियोगिता भी विदेशियों को खूब भाई। मूंछ प्रतियोगिता में 2 विदेशियों और 8 देसी नागरिकों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में पाली के राम सिंह राजपुरोहित पहले स्थान पर रहे, जबकि शाहपुरा के ईशाक खान दूसरे और जटिया के शंकर सिंह तीसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर रहे राम सिंह राजपुरोहित की मूंछों का गहरी होने के राज दही और मेथी है। राम सिंह राजपुरोहित 11 साल से इनको पाल रहे हैं। विदेशी युवतियां भारतीयों की मूंछों को देख ऐसी अभिभूत हुई कि खुद भी मूंछें पकड़कर अपने चेहरे पर लगाती नजर आई। My husband Peter and I, my name's Lisa, we're from England, and this is our first time to Pushkar and to the festival, and it's been the most amazing experience and absolutely great fun to enter the turban competition. Never thought we would win it, but it was just hilarious, brilliant fun. And hope it looks okay. Yep. And well, it's just been lovely coming here. We've been in Rajasthan. We've come to Pushkar for the last 2 days. It is just, everybody should come to Pushkar. The people are so lovely and friendly. The camels, the horses, everything is just amazing. It's India at its best. Fantastic. Thank you.